कि हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है। एयर इंडिया में देखिए क्या हुआ, 5 साल तक इन्होंने शोर मचाया, एयर इंडिया घोटाला, एयर इंडिया घोटाला। मनमोहन सिंह जी का नाम बदनाम किया, सीएजी से उन्होंने एक रिपोर्ट लाया कि कहा कि इसमें बड़े घोटाले हुए हैं, और आरोप पत्र 2014 में निकाले। तब के सिविल एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल थे, वो हमारे साथ थे। जिस दिन प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ चले गए, क्लीन चिट मिल गया, सीबीआई ने कह दिया इसमें कुछ है नहीं, केस क्लोज्ड। तो प्रधानमंत्री को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, हमारे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और प्रफुल्ल पटेल को अगर हिम्मत है खड़े होकर कहना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी आज मैं आपके साथ हूं, पर 10 साल पहले आपने मुझे दागी कहा था, मुझसे आप माफी मांगे। आप लोग ईवीएम और वीवीपैट 100% कौन को ये मुद्दा उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक पहला कदम है, सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा सकारात्मक कदम है, हम ये मांग कर रहे हैं। हालांकि 10 महीने से इलेक्शन कमीशन ने हमसे मिलने तक इनकार कर दिया है। हमारी मांग है, हमें 15 मिनट का समय दीजिएगा, हम अपनी मांग आपके सामने रखेंगे, जो आप करेंगे वो आपकी मर्जी है, अधिकार आपका है। हमारी मांग क्या है, 100% वीवीपैट हो, ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, हालांकि सभी देशों में नहीं हो रहा है, पर आप ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर इसके साथ साथ 100% वीवीपैट कीजिए। पर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है ईसी को, हम समझते हैं वो सकारात्मक कदम है, और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि चुनाव शुरू होने के पहले, ऐसा नहीं कि ये मामला जून 4 के बाद तय होना चाहिए, ये अप्रैल 19 के पहले ही इसको तय कर देना चाहिए। आप तो दक्षिण भारत के भी हैं और एक मजबूत, मैं भारत का हूँ, भारत का है, मैं भारत का हूँ, लेकिन एक मजबूत पॉलिटिकल ग्राउंड आप लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में है आप लोगों का, लेकिन एक द्वीप को लेकर कांग्रेस क्यों बैकफुट हो रहा है? नहीं देखिए, इस द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं, हमारे विदेश मंत्री ने जो बयान दिए हैं, ये न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बेमतलब के बयान, बेबुनियादी हैं, और इन्होंने हमारे विदेश नीति की राजनीतिकरण भयंकर तरीके से की है। 1974 में इंदिरा जी ने 6 लाख श्रीलंकन तमिल को भारतीय नागरिकता दी, उसकी बात ये नहीं करते। वेज बैंक एक जगह है, समुद्री जगह है, जहां तेल पाए जाने की गुंजाइश है, वो भारत के कब्जे में आई, वो भारत का एक हिस्सा बना, उसकी बात नहीं करते। ये 8,300 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी ने इकट्ठा किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड न केवल गैर कानूनी है बल्कि हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत भयंकर है। तो सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और हमने जो जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खिसक रही थी, हम जाना देना नहीं चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, आखिर में उनको जबरदस्ती देना पड़ा, उसका हमने पूरा विश्लेषण किया, और विश्लेषण के आधार पर ही मैं कह रहा हूं, चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, रिश्वत दो, हफ्ता वसूली और फर्जी कंपनी, यही तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की हकीकत है। विश्लेषण सबसे पहले आपने ही किया था, लेकिन अमित शाह ने जवाब दिया था कुछ हफ्ते पहले कि अगर इंडिया अलायंस की पार्टियों को देखा जाए, कांग्रेस का नाम लिया, डीएमके का नाम लिया, टीएमसी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, पर क्या हमारे हाथ में इनकम टैक्स है? क्या हमारे हाथ में सीबीआई है? क्या हमारे हाथ में ईडी है? क्या हम बड़े बड़े ठेके दे रहे हैं? जब मैं ठेके की बात करता हूँ, ये राज्य के स्तर के ठेके नहीं है, ये बड़े बड़े हाईवे कॉन्ट्रैक्ट हैं, बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े टनल हैं, बिजली घर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, ये केंद्र सरकार देती है। तो केंद्र सरकार, हम तो ठेका नहीं देते, हम तो सत्ता में नहीं है, ठेका देने की स्थिति में नहीं है, सीबीआई का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते, हम करेंगे भी नहीं, पर हम स्थिति भी नहीं है ना, सीबीआई हमारे कब्जे में नहीं है, ईडी हमारे कब्जे में नहीं है, इनकम टैक्स हमारे कब्जे में नहीं है, कौन कंट्रोल कर रहा है बताओ? गारंटी तो आप दे रहे हैं, सरकार में आएंगे तो हम ऐसा इलाज करेंगे? बिल्कुल, देखिए जबरदस्ती बुलडोजर चला के कई ऐसे कानून में संशोधन लाया गया है, भयंकर अधिकार दिए गए हैं इनकम टैक्स वालों को, सीबीआई को, ईडी को, इसका पूरा इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी लोकतांत्रिक तरीके से, पार्लियामेंट्री समिति में इसका विश्लेषण होगा, इसकी समीक्षा होगी, और जहां संशोधन की जरूरत है हम जरूर संशोधन लाएंगे, और हम ईमानदारी से करप्शन के खिलाफ हम लड़ेंगे, ईमानदारी से, जो हमारी नीयत साफ है,
हम ये नहीं कहेंगे कि